ओके इसको, ओबे इसको भी होश आ जाइए, फिर से लेट जाइए, बाय बाय। अब रखा जाएगा आराम से, रखा जा। चलो क्रोकोडाइल आ गए, अपने अंडों पे बैठ जाओ। अब हमारे लिए चाहिए चाबी। देखो ये बैठ गई यहाँ पे, अब हम चलेंगे चाबी को लेने के लिए। ठीक है बाहर निकलते हैं। उसको है ना इस क्रॉस के मार्क पे लेके आना है, इसलिए हम इस कोने में आएंगे, तभी तो वो हमारे लिए पास आएगा, हमारे हमको मारने के लिए। ओके ये दरवाज़ा खुल गया, ये हमारी बैन और ये चारों दोस्त इसमें हाई स्पीड में जाते हो। अबे आराम से भाई। ओहो अबे क्या यू टर्न ले रहे हो भाई। तो गाइज वेलकम टू आइसक्रीम एज फाइनल चैप्टर के फुल गेम प्ले में आपका स्वागत है, और आज हम इसको भाई कम्प्लीटली करेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक कंप्लीट करने वाले हैं इस गेम को। तो लगभग भाई 30 से 35 मिनट का बनने वाला है वीडियो, तो बने रहिए भाई और इन्जॉय कीजिए आइसक्रीम एज फाइनल चैप्टर फुल गेम प्ले को। तो ये तो सभी ने देखा होगा आपने, जो कि हुआ था भाई लोगों का, इसलिए हम इसको कर देंगे स्किप। तो यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, ठीक है, और हमारे फ्रेंड भी यहीं पे हैं। ओके टिप्स ले लेते हैं थोड़ी, दे रहे हैं तो ठीक है। ये भाई हमारे फ्रेंड ने दरवाजे को पकड़े हुए हैं, उस साइड है रोड जो धक्का दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से रास्ता ढूंढना पड़ेगा और भागना पड़ेगा यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर लिट को तलाशना होता है, इसी के बाद हम इस सोपे को हटा पाते हैं। ओके साइड में हो गया, अब ये ओपन हो जाएगी। चलिए भाई मिल गया है दरवाजा, रास्ता मिल गया है हमारे लिए, आ जाओ कमान जल्दी आओ यस। अब भाई फाइनली इसको दरवाजे को तोड़ देगा रोड, ये है रोड। ये भी शॉक्ड हो जाएगा जब देखा आगे कि है ही नहीं यार, ये तो कहाँ गए। यार इसके मतलब यहाँ पे तो एक गेंद भरा जाएगी इसके अंदर खोपड़ी में इसकी। अब ये ना पूरे गेट पूरे दरवाजे पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है फैक्ट्री को, ताकि जो बच्चे हैं वो निकल नहीं पाए इस फैक्ट्री से। तो यहाँ से भाई इसकी बहुत हाई सिक्योरिटी है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो इसने सभी सिक्योरिटी बना के रखी है, सबको क्लोज कर देगा ये। ये देखिए अब यहाँ पे अभी सारे दरवाजे सारे गेट लग जाएंगे, इस तरीके से सभी कुछ बंद हो जाएगा। अब एविल नन भी भाई सतर्क हो जाएगी अब यहाँ पे कि कुछ होने वाला है। बोल रहा है मैं इतना थक चुका हूँ, अगर मैंने एक और कदम रखा तो मेरी टांग टूट के आ जाएगी। इसके बाद इसके पास एक मास्टर प्लान है। ये है तीन जनरेटर जिनको हमको करना है डीएक्टिवेट इस फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए। ओके हमारे पास फोन भी है, हम कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से होती है भाई टास्कों की स्टार्टिंग और सर्वाइवल स्कैप, जो भी करना है कर पिए। यस लेट्स गो। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हमारे लिए टारगेट सिलेक्ट करना होगा, कौन से जनरेटर पे जाना है हमारे लिए। तो सबसे पहले चलेंगे हम कहाँ पे चलें, जोसेफ कोटेज वहां से करते हुए आते हैं, ठीक है ऊपर से नीचे आते हैं हम। ठीक है दरवाजे को ओपन करते हैं, यहाँ से चलते हैं भाई अब हमारी मंजिल की ओर। कहाँ पे है वो जनरेटर, सबसे पहले हमारे लिए जनरेटर तलाशना होगा कहाँ पे है। ये बीच बीच में टिप्स देते रहते हैं यार बेवजह में। तो यहाँ की रखवाली करती है भाई एवेलन। हाय एवेलन, बहुत एंग्री होती है यार ये, बहुत गुस्सेल और बहुत ही मतलब क्रूर होती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती है, ये बच्चों को देखती है और पीछे पड़ जाती है। ओके सबसे पहले हमारे लिए यहीं के जनरेटर को तलाशना है। ये यहाँ पे भाई मोटा आइसक्रीम खा रहा है। एक
एक अंडा यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इसको अभी हम ले नहीं सकते। जब तक हम जनरेटर नहीं लोकेट कर लेते तब तक किसी भी आइटम, किसी भी टास्क को हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे लिए जनरेटर है ना, उसको लोकेट करना होता है कि हमें हमारे लिए मिला है या फिर नहीं। इसमें मिलेगा, ठीक है। तो भाई हमारे लिए फाइनली पहला जनरेटर यहाँ पे मिल गया है। अब हमारी जो फ्रेंड हैं उनको कॉल किया जा रहा है, वो सभी लोग यहाँ पे आएंगे। इसके बाद हम करेंगे अपने टास्क इसको डीएक्टिवेट करने का। तो हमारे लिए एक चाबी चाहिए जो क्रोकोडाइल उसकी गार्ड है, मतलब मगरमच्छ उसकी रखवाली कर रही है। तो मगरमच्छ की उस गार्ड को हटाने के लिए क्या करना होता है, उसके तीन अंडे होते हैं वो उसके घोंसले में रखने होते हैं। इसके बाद जो क्रोकोडाइल है वो अपने अंडों पे आके बैठ जाती है, इसके बाद हम उस चाबी को ले पाएंगे। तो चलिए, पहला अंडा उस लड़की के पास था, तो ये है और ये है वो मगरमच्छ। भाई रखने भी नहीं देती, अटैक करती है, तो इससे हमारे लिए बच के रहना है। इसमें जा पाएंगे, पानी में जा पाएंगे? नहीं, पानी में नहीं जा पा रहे हम। ओके, पानी में मतलब हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो अरे मगरमच्छ कम से कम रखने तो दे यार, तेरा अंडा है, अभी फूट जाएगा, फिर कहेगी कि मेरे बच्चे को तोड़ दिया। चल अच्छा हुआ नहीं फूटा, नहीं फूटता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। इसमें एविल नन को है ना बंद करके, बाहर से लॉक करके भाग जाए। नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, होते हैं कहीं ना कहीं तो होगा। एक तो वहाँ पे रखा हुआ है जब हम आ रहे थे, एक इसमें होना चाहिए क्या? अगर इसमें नहीं होगा तो फिर इस साइड है यार, उस साइड बनी हुई है, उसमें है वो। लेकिन एक तो यहाँ पे है, यहीं पे होगा, यहीं पे। ये एक, दो हो गए हैं हमारे पास और एक उस साइड मिल जाएगा। तीनों एग चाहिए हमारे लिए और तीनों हमारे पास हो चुके हैं। ये मतलब मगरमच्छ बिल्कुल मेरे साथ ही चल रही है यार, थोड़ा तो टाइम दे तेरे अंडे रखने के लिए मुझे। वो इस साइड आ गई है, हाँ जा रही है, शायद रख पाऊँ, अब तो रख दूंगा। एक ओ वो आ रही है भाई, रख रख रख, भाग 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 भाग, भाई आ गई थी यार, इसको और रखने दे, रखने दे, रखने दे, नहीं रखने दे रही तो रहने दे, फिर रहने दे, हम उसको लेके आएंगे। एक और जो अंडा है तेरा उस साइड होगा, वो उसको लेके आएंगे। एवेलिन के दर्शन नहीं हुए बहुत देर से, कहाँ गई हैं, कहाँ पे किसको बज रही हैं? यहाँ पे भी नहीं दिख रही। अबे अब दिख गई, कहीं पे तो है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? ओ इधर से आ रही है यार, उस साइड थी वो, ये आ रही है। तो इसको यहीं से घुमा दूंगा मैं इस साइड से निकल जाऊंगा, वो इस साइड से आ रही है। तो और इस गेम का ना सबसे लंबा जो है ना जनरेटर वाला सॉल्व करने वाला यही है, पहला ही जिसको हम कर रहे हैं। बाकी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता, क्योंकि ये सारे टास्क करने के बाद एक हमारे लिए छोटा मिनी गेम भी खेलना होता है, जो कार की मदद से जो क्रॉस के निशान होते हैं उनको तोड़ना होता है, वो वाला, ठीक है। अभी नन उधर है, तो एक अंडा हमारे लिए इसमें मिलना चाहिए 100%। ये तीन अंडे हो चुके हैं, ओके यहीं से रख देंगे, यहीं पास में तो पड़ते हैं यार, करीब पड़ते हैं, इतना चक्कर लेके क्यों गए हम? मगरमच्छ भी नहीं है, रखा जा रख, अबे रखा कौन आ रहा है, अब कौन आ रहा है भाई, अबे रखा जा यार, अबे ये भाई ये रखा क्यों नहीं रहे यार। चल बढ़िया है, मगरमच्छ वापस हो गई, अच्छा है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं रखेंगे, वरना भाई लास्ट टाइम पे वो मार दे, पूरा गेम खराब हो जाएगा। अब रखा जाएगा आराम से, रखा जा। चलो क्रोकोडाइल आ गए, अपने अंडों पे बैठ जाओ। अब हमारे लिए चाहिए चाबी, देखो ये बैठ गई यहाँ पे, अब हम चलेंगे चाबी को लेने के लिए। ओ ओ ओ इधर है, इधर है, मुझे लगा उधर है, इधर है नन, ठीक है यार, चाबी लेने दे, ठीक है, वरना आके मार दे। उस साइड जाएंगे हम, इस साइड देखेंगे, एक ही साइड से मतलब दोनों काम होने चाहिए हमारे, नन भी दिखती रहे और चाबी भी ले लें यहाँ से। अगर नन आएगी तो हमारे लिए दिख जाएगी वहाँ से आती हुई, आराम छोड़ देंगे। इसमें टाइम लगता है लेने में, कंप्लीट होने के बाद भी 2-3 सेकेंड और भी लेता है।
देखो अब कितना स्लो हो गया है, अब देखो कंप्लीट हो गया है। अब आई है चाबी, इतना टाइम क्यों लेती हो यार, जब टास्क कर दी है तो चाबी दो फट से हमारे लिए। अब इस चाबी को लेके जाना है हमारे लिए वो पास वाले रूम में, क्योंकि वहां से हम कर पाएंगे गेट को ओपन। लेकिन नन कहाँ पे है? नन नहीं दिख रही है, पर ना आके है ना उसी दरवाजे में बंद करके मारे मुझको। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, गो बंद करूंगा दरवाजा। इसको लगाएंगे यहाँ पे की हॉल, ये लीजिए। तो ये तो फाइनली यहाँ पे कर लिया है गाइस हमने दरवाजा, ये एक गेट लगा हुआ था वो हो गया है यहाँ पे ओपन। कहाँ गए हमारे फ्रेंड, कहाँ पे? वेट एक बार फ्रेंडों की भी खबर ले लें, वरना कोई डर के मारे चला गया हो। ठीक हो गाइस? हाँ उनको कोई टेंशन नहीं है, वो तो सिक्योर रूम में है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं होता। नन आ गई है शायद कहीं पे, इस साइड से चलेंगे। हमारा एक बंदा है ना वो वहाँ पे पहुँच गया होगा बंदूक लेकर, उस बंदूक की मदद से है ना जो बैन को बाहर निकालनी। ये खड़ा हुआ है बंदा, ये ओहो पबजी प्लेयर। दो बुलेट हैं इसमें, एक नन मिल गई तो उसमें दे देंगे, दूसरे से हम अनलॉक कर लेंगे दरवाजे को। हो गए दोनों, खैर नन नहीं मिल रही है, चलो एक ही बुलेट से हो जाएगा हमारा काम। इस बैन को निकालना है बाहर, इस बैन को लेके जाना है हमारे। कहाँ पे था सिक्योरिटी मैग्नेट? यहीं पे तो लगी थी यार। अच्छा तो नीचे से नहीं दिखेगी तू, रुक ऊपर ही आता हूँ मैं, ऊपर ही आने दे। ये लगी हुई है, ये लो दरवाज़ा हो गया फाइनली ओपन। अब हम ले जा पाएंगे इस बैन को, एक मिनट आस करेंगे अब जंगल में ले जाकर, जंगल में मंगल। सॉरी टंग मोटे टंग, तेरे पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी टंग। फिर से उतर, एक बार और उतर, नहीं उतरेगा। अबे पसीना आ गया उसको चढ़ने में, वो क्या उतरेगा? जंप, अबे मोटे ने जंप मार दी, चेयर नहीं टूट जाए वरना नीचे आ जाएगा। ओके ठीक है, समझ में आ गया है। ये एक छोटा सा गेम है जिसको कंप्लीट करना होगा, इसी के बाद इसको कंप्लीट माना जाएगा पहले टास्क को। ये टावर है ना इसको गिराना है नीचे यहाँ पे, ये सारे क्रॉस के निशान को है ना हमको डिस्ट्रॉय करना है। भाई हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा यार? ओके 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 तू भी आ जा, रुक, तुम ही निपट लो पहले, ये मैं बाद में कर लूँगा। एक उधर से आ रहा है भागते हुए, हो गई भाई, चल 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 चल, ले उसको भी दे दिया, चल निकल निकल निकल, अगले स्टॉप की ओर बढ़। देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, कौन कौन आता है। ये इसको तोड़ के ना हम पे अटैक करने के लिए आते हैं। Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. चल ये भी गया। ओके तो यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय कर दें। ये पूरे एक फिट के तो हैं और ये बंदा कार पे बैठा हुआ है, लेकिन उन लोगों ने स्टाफ भी बराबर बनाया भाई, चीटिंग नहीं चलेगी। छोटा बच्चे समझ के मुझको ना समझाना आ रहे वो वाला, इसलिए उन्होंने बराबर हाइट दी है। ये नीचे है वो, गया ये भी गया, ये भी गया, अभी ऊपर ही है, अभी एक और है। और रुक रुक, अबे अबे बंदे, अबे बंदे, अबे कुल्हाड़ी मत मार, ये आखिरी है ये। तू दूसरा आ गया, मरने का शौक है सबको, खतरों के खिलाड़ी हैं। आखिरी है, आखिरी स्टॉप है हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
भाई ये वाला जनरेटर है ना सबसे लंबा होता है, इसके बाद तो वो इतने इतने ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ओके ये लो एक और है, ये और है शायद, हो गया। अबे अभी और भी है भाई, ओहो मुझे लगा ये आखिरी था, नहीं। तो आप जब तक वीडियो को लाइक मारिए गाइस, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब मार लीजिए, लाइक तो मार ही दीजिए, करना फ्री, सब कुछ फ्री होता है। ओके हम इसको डिस्ट्रॉय, ये आखिरी है लेकिन इसके बाद है ना ये टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पहला जनरेटर भी इसी के साथ हम कर लेंगे डिस्ट्रॉय। इसमें अबे इसमें क्यों नहीं लग रही, अबे कुल्हाड़ी मार नहीं पाएगा लेकिन तू, अबे बंदर बंदर रुक, एक बो आ रहा है बंदर, रुक जा तू वहीं पे। ओके रिचार्जिंग हो रही है लेकिन यहाँ पे शायद हमारा टास्क भी कंप्लीट हो गया है, रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस ये गिर गया भाई वो टावर, बच गया भाई, वरना कार के ऊपर गिर जाता ना, मोटे तीन बजते हम। तो ये गाइस फाइनली हमने पहले जनरेटर को भाई डीएक्टिवेट कर दिया है, अब चलते हैं हम दूसरे जनरेटर की ओर, सिलेक्ट करते हैं पहले अपना न्यू गोल लेबोरेटरी। ओके ठीक है, लेबोरेटरी में जाके हमारे लिए सबसे पहले जनरेटर ढूंढना है कि कहाँ पे स्टोर है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जो भी टास्क है हमारे लिए वो करना है। तो गाइस आर यू रेडी, ये बंदूक है हमारे पास, अगर रास्ते में नैनमन मिलती है तो पिल देंगे। अबे फिर से क्यों लगा रहा है यार, मैंने सिलेक्ट कर तो लिया था, मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो था, यही तो किया था, वही है। ये गन क्यों बदल गई, अब ये कैसे चलेगी, चला के देखते। अबे भाई चल रही है, अबे इसकी नाल तो नीचे शूट सामने कर रही, ठीक है जो भी है। लेबोरेटरी में जाना है हमारे लिए, ओके इस साइड है, देखते हैं ऊपर है या सीधा किस साइड होगा। किचन एंड लेबोरेटरी ऊपर है, ऊपर चलना है हमारे लिए, गो। ओके इस हॉल में से जाएंगे अंदर, और भाई ये भी बहुत खतरनाक होती है, ये मुंह से मतलब एक तरीके से चिंगम टाइप की फेंक के मारती है और हमको घायल कर देती है, ये टर्न होती है इस तरीके से। What's going on here? यार रिंच लगे ना इसका बोल्ट खोल लेते। ओके ओके गो 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 गो, चलते हैं चलते हैं। यार मैं चला के देख रहा था उसको लेकिन ये क्या हो गया, ओ मिनी रोड उधर है मिनी रोड। ओके उसको नहीं देखो, ओ भाई बड़ा रोड आ गया इधर से, ओ हो आ जाओ, मैं नहीं डरता तुमसे, आ जाओ मेरे पास बंदूक है, तीन बोल्ट हैं। ओके चल हट हट साला, तुम बजाते रहो सायरन, किसके लिए बजा रहे हो, तुम्हारे बॉस तो उल्टे पड़े हैं, आ जा तू भी आ जा, नहीं तुझ में गोली नहीं, मैं तुझको दूसरे तरीके से मारूंगा, हट। अबे भाई ऐसे कैसे, वो पहले मर गया था, वोल्टेज था उसमें, वोल्टेज 11,000। ओके इसके अंदर भी होगा क्या कोई, नहीं। ओके यहाँ पे मिल जाएगा हमारे लिए जनरेटर भाई, ये है वो जनरेटर जिसकी हमारे लिए तलाश थी, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हमारे लिए कॉल करना होगा कि गाइस आ जाइए, हमने भाई दूसरा भी जनरेटर ढूंढ लिया है और यहाँ पे आके हमारे लिए करने होंगे कुछ टास्क, हैक द जनरेटर सेंटर सिस्टम टू डीएक्टिवेट। तो जनरेटर का जो सेंटर सिस्टम है ना उसके लिए, उसको हमारे लिए हैक करना होगा इसको डीएक्टिवेट करने के लिए। तो हमारे पास कुछ एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट
जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इसके लिए दो बाटल चाहिए, ठीक है। एक बाटल लाने में तो हमारा फ्रेंड मदद करेगा, जो कि हमारा फ्रेंड है ना जे, वो एक बाटल लेके आ जाएगा, जिस पे जो 8 नंबर ड्रो है ना वो लेके आएगा। एक बाटल हमारे लिए कहाँ पे मिलेगी, जो प्रोडक्शन हॉल है ना आइसक्रीम का, वहाँ पे। तो उसके लिए बताना है कि किस तरीके की बॉटल है, प्लेन है एंड इस पे ड्रो 8 हैं, तो ये भी बताएंगे, एंड ताकि वो करेक्ट बॉटल लेके आ Roger सके। that. तो कब तक आएगा भाई? आ गया, सही लेके आया ना? हाँ करेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले, ठीक है, ऑल राइट, यू वेलकम। अब हम चलते हैं ना, इसके लिए एक बाटल लेके आना, और बाकी भी अभी हमारे लिए टोटल 3 सामान और चाहिए। इसमें गोली बर्बाद नहीं करेंगे, एक गोली खाली इसमें मारेंगे हम, सामने वाले में पीछे से। अबे अबे ये क्या, मेंढके की तरह गिर गया यार ये तो। ठीक है चलते हैं नीचे, इसको ओपन करेंगे। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अभी कहाँ से फट गया भाई? कहीं से भी आके फट रहे, कोई भी फट रहा है, क्या चल रहा है? ये गन लेंगे, आ जाओ आप भी, आ जाओ अंदर ही, आ जाओ, आइए आ जाइए आ जाइए, लो हटो। सब अपने अपने तरीके से खेल रहे, मिनी रोड अपने तरीके से खेल रहे, रॉड अपने तरीके से खेल रहे, ये अपने आइसक्रीम में मस्त हैं। ये बाटल चाहिए हमारे लिए, इसको लेके चलेंगे। अबे चल हट जा, जब तुम्हारे अब्बा यहाँ पे उल्टे पड़े हैं तो तुम कौन हो? एक ये पड़े हैं यहाँ पे, हीरो बन रहे थे, मेढक की तरह उचका दिया इनको। अब क्या चाहिए हमारे लिए? अबे ये उठ गया भाई, फिर से उठ गया। ले मार दे मार दे, तुम्हारा ही राज है, मारते रहो, उठते रहो, मारते रहो, और क्या चल रहा है, यही करते रहो। अभी एक ब्लू टॉर्च होती है शायद, वो चाहिए। अबे ये फिर से आ गया है कठपुतली। चल बढ़िया है, तू फट गया लेकिन मुझे नहीं फाड़ पाया। ओके इसको, ओबे इसको भी होश आ गया, आ जाइए फिर से लेट जाइए, बाय बाय। नहीं, उधर मिनी रोड है। ओ ओ ओ यहाँ पे भी हमारी एक गन पड़ी होगी, कहाँ पे गई यार? यहीं पे तो थी। कुछ नहीं चल रहा है, तुम तो मस्त रहो आइसक्रीम खाने में, वो देख लेंगे रॉड अंकल क्या चल रहा है क्या नहीं। कहाँ पे दे यार वो लॉकर, कहाँ पे होता है? यहीं पे नहीं, इनमें नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या इस रूम में हो सकती है फिर वो लोहे वाले लॉकर में हो, लकड़ी वाले में नहीं, तो शायद उसी में होंगे। इसको जाने दो, अपनी धुन में जा रहा है, उसको जाने दो, डिस्टर्ब मत करो। इस रूम में होना चाहिए वो, हाँ ये है, ये वाला, इसको तोड़ना है। ये भाई उसने देख लिया है, बंदे ने देख लिया है, और वो फटने को मन कर रहा है। ये फट गया, उसका मन कर रहा था फटने को और वो फट गया। चल भाई ठीक है, फटते रहो, हमारा क्या है, हम ये लेके जा रहे हैं ब्लू टॉर्च। अभी मेरे लिए एक बार एक गन लेके और आना चाहिए। अबे रॉड आ गया, रॉड 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 रॉड, ये गन ले लूँगा, ये गन ले लूँगा, ये गन ले लूँगा। आ जा आ जा आ जा, फिर से आ जा आ जा, तुझे भी सुकून नहीं मिल रहा है। चलो ताकि, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे और कुछ करना होगा। अभी हमारे लिए एक क्या आइटम चाहिए, केवल और चाहिए, इसको तो हम लेके चलते हैं। नहीं पहले इसको टपका दूंगा, बाद में ये भी फटेगा, इनका काम है फटना। इसको लेके चलो, इसको हम वहाँ पे डालेंगे, इसके बाद केवल को सर्च करेंगे कहाँ पे है, और हमारा भाई ये जनरेटर भी हो जाएगा गाइस कंप्लीट। ठीक है यहाँ पे देखता हूँ। अबे यार आ जा, तू भी फट जा भाई, फट जा, ले फटो, सब फटो, अपनी अपनी मन की करो सभी लोग। यहाँ पे मिल जाना यार केवल, मिल गई मिल गई। इसको अंदर लेके चलेंगे,
लीजिए भाई ये आपका। so नहीं वो बोला है नहीं चाहिए, तब तक पहले वो लड़की अपना टास्क कंप्लीट करेगी फिर ये करेगा। इसको भी अंदर ही डाल लेते ताकि बाद में हमारे लिए नहीं आना पड़े। ओके अब उसको और लेके आएंगे। कहाँ पे ये इसको लेके चलते हैं। तो अब ये मतलब हमारा यहाँ पे कंप्लीट वो हो गया है। अब हमारे लिए कोई सा भी सामान लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये बाटल देंगे इस लड़की को। अब ये इसका उपयोग करेगी, दोनों मिक्सअप करके कुछ अपना दिमाग उपयोग करेगी। भाई बायोलॉजी की स्टूडेंट है। अब इसके लिए चल कनेक्ट कर तो फटाफट ले ले इसको और ले और फट से अपना काम कर। अबे कतई बहुत तेज है भाई ये तो। अब हमारे लिए क्या करना है, इसको हैक करना है, स्टार्ट हैकिंग। ये एक छोटा सा मिनी गेम खेलना है हमारे लिए, हैकिंग कोड। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 यस। तो ये भी गाइस फाइनली हमने दूसरा जनरेटर को भी हैक कर लिया भाई। अब चलते हैं चेक पॉइंट की ओर और सिलेक्ट करते हैं भाई तीसरे जनरेटर को जो कि है म्यूजियम। अब जाना है हमारे लिए फाइनली म्यूजियम में। ओके फाइंड द जनरेटर टू, ओके फाइंड द जनरेटर ऑफ द म्यूजियम। इसको लेके चलते हैं क्योंकि रोडमोंड मिलेंगे हमारे लिए रास्ता में, तो भाई उनसे तो बचना होगा वरना वो मार देंगे तो नाटक हो जाएगा। मारना नहीं अभी अभी तक हम एक भी बार नहीं मारे गए। एक बार अगर हमारे लिए रॉड एंगल पकड़ भी लेंगे ना तो भी वो छोड़ देते हैं, उनमें हम धक्का मार के निकल सकते हैं। लेकिन अभी तक हम एक भी बार नहीं पकड़। ओहो देख लिया, आ जाओ जमा दूंगा, ले आयुष बना दिया तेरे लिए। और रॉड एंगल भी जम गए थे यार, गलती हो गई। ये तो मैंने डबल उपयोग कर लिया, इसका नहीं करना था मेरे लिए। ओके लोड करना पड़ेगा फिर से, इसको रिचार्ज करनी पड़ेगी। अब हम जा रहे हैं फाइनली अपने फाइनल जनरेटर की ओर जो कि है आखिरी जनरेटर। और वहाँ पे मिलेगा हमारे लिए भाई बोरिस जो कि लोहे का बना हुआ है और जनरेटर भी भाई लोहे के कवर से सिक्योर है। तो बोरिस को भाई ट्रिक करना होगा कि वो उस जनरेटर में आके टकराए और उसी को तोड़े वो, क्योंकि सिर्फ उसको वो ही तोड़ सकता है। देखते हैं क्या होता है, वहाँ पे चल के देख रहे हैं। अभी चल रहे हैं यहाँ से, नीचे उतरेंगे। अभी कुना दो, क्यों क्या चाह रहा है तुम्हारा, कुना दो तुम तो। ये है म्यूजियम का रास्ता। नन तो नहीं है इधर, नन तो कहीं भी कुछ भी पढ़ती रहती है। यहां से जाएंगे। ऑल राइट ये है भाई बोरिस जिसको रिपेयर किया जा रहा है अभी। क्या मालूम क्या हो गया, लेकिन उसके जो सिक्योरिटी है ना, एक एक फिट के सिक्योरिटी। ओहो ये भाई इसके पैर नहीं है लेकिन हाथों में बहुत जान है भाई। हाथों से भागता है ये बंदा, पैर से नहीं। दुनिया पैर से चलती है, ये हाथ से चलता है। देखो कितने तेज भागेगा ये देखो, बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। चलो और ये इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम बाहर आते हैं ना ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आना चालू हो जाता है चाहे हम कहीं भी हों। तो इसका ये यार इधर से वो है, इधर मिनी रोड है, हाँ जा रहा है मिनी रोड जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिए गन को यहीं पे डाल देंगे। और ये है भाई जनरेटर की लोकेशन जहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है, तीसरा और सबसे ज़्यादा सुरक्षित जनरेटर। Robot on your way here. Find a way to trick the Frank and Boris to destroy the generator protected by Amort. All right, ठीक है। माइक को चाहिए चार्ज मोटराइज्ड टूल।
इसको तो एक मास्क चाहिए जो सर पे पहनेगा, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रिकल शील्ड होती है वो, एक चाहिए हमारे लिए यहाँ पे रोबोट, ठीक है, चार सामान चाहिए मतलब, ठीक है। यहाँ से जाएंगे हम बाहर, सबसे पहले तो हम मास्क तलाशेंगे, क्योंकि मास्क पहनने के बाद क्या है ना, हम दिखते नहीं हैं इनको और ये कोई अटैक भी नहीं करते, फिर तो सबसे पहले ये बेटर रहेगा हमारे लिए, तो हम वो मास्क को तलाशें। ओके, इसी कचरे में मिलता है, यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जा आए मिनी रॉड, तुमसे दोस्ती हो गई यार अब तो मेरी, अब डर नहीं लगता मेरे लिए। इसमें मिलेगा क्या मास्क, या मिल गया, अब हट जा वरना दबा दूंगा, चल हट भाग। अबे कितने मिनी रोड भरे हैं इसके अंदर, चल अंदर चल अंदर चल अंदर। बोरिस बोलेगा नहीं भाई ये नहीं, ये चीटिंग है, हमको बाहर जाना है, तुम अंदर दिखा रहे हो। बोरिस के लग गए। और ये चाहिए स्टैचू, आ तो नहीं रहा, हाँ नहीं आ रहा, लेके भाग जाऊंगा। चल चाइल्ड साइन, आजा बोरिस आजा, गो, ठीक है। इसको यहाँ पे लगाएंगे हम, एनी गैप, ओके बाहर जाने का, सॉरी भूल गया था मैं। अभी मास्क कहाँ निकाला था मैंने, इधर ही कहीं निकाला, नहीं 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 इस साइड तो मैं गलत आ रहा हूँ, ये तो दूसरी साइड है, मैं इस साइड क्यों आ, नहीं बोरिस था ना उसी साइड, तो मुझे इसी साइड आना पड़ेगा, पहले उसको इस साइड लेके आना पड़ेगा, तब तो मैं उस साइड जा पाऊँगा। अबे गोली से इस पर कुछ असर नहीं होता भाई, जैसे कोई इंसान बैठा होता ना उस पर आगे हाथ पटक देते तो थोड़ा देखता है मुड़ के, बस उतना ही असर होता है। ओके ओके, एक सील यहाँ पे रखी, ओके ये सील यहाँ पे रखी, इसको उठा के हम यहाँ पे पटक देंगे। एंड हमारा मास्क कहाँ पे, ये पड़ा हुआ है हमारा मास्क, इसको ले लेंगे। अभी एक हमारे लिए एक बॉटल होती है वो चाहिए, मोटराइज बोलते हैं क्या, उसको चार्ज करना होगा, हाँ ये रखी हुई है, पट से ले लूँगा इसको भी, और यहाँ से जाऊँगा मैं इसको ले कर, आ जा तो इस साइड से आ। ओके अभी मैं इसको ले कर अंदर क्यों जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है, इसको सबसे पहले चार्ज करना होगा हमारे लिए, और चार्ज भी एक बंदे से नहीं होता, चार्ज करने के लिए भी हमारे लिए हमारे फ्रेंड की मदद लेनी होगी, क्योंकि उसमें होती हैं दो स्विच, ये दोनों स्विच हैं, इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब लेके आएंगे हम अपने फ्रेंड को इसको चार्ज करने के लिए, और लगभग मुझे लगता है अपना टास्क भी कम्प्लीट ही हो गया, बस इसको ही लेके जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बोर्ड हमारे लिए मिल ही गया है एंड मास्क है ही, तो ये हो ही जाएगा, हाँ लगभग हो गया पूरा, बस ये चार्ज करके ये बोतल को ले जाएं हम वापस। लेकिन मुझे मास्क चाहिए पहले, तो मास्क कहाँ पे निकाला था मैंने, यहाँ पे पड़ा होगा शायद, हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये है, ये है। अब लेके आएंगे अपन उस फ्रेंड को, उस फ्रेंड की मदद से है ना इसको हम कर पाएंगे चार्ज, क्योंकि उसमें है दो स्विच। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर जाना है, बाहर चला गया मैं, कोई लॉजिक निकला, मतलब अंदर जाके बाहर आ रहा हूँ, कोई मतलब निकला इसका, कम से कम मैं इस मास्क को यार उसको दे के आ सकता था, लेकिन भूल गया। ये टॉर्च ये देंगे इसको, जे को, ठीक है। वो मास्क किधर है हमारा, ये अब फिर से लेके जाना पड़ेगा इसको अंदर, ये पहनाएंगे उस मोटे को, और उस मोटे को लेके जाएंगे अपने साथ में स्विच खिंचवाने के लिए। चला आ जा, आप चलते हैं, ये एक से भले दो, कहाँ पे, चला इस साइड आ, वरना वो भी आना चालू हो गया, मोटे मार देगा, बहुत तेज मारता है, मैं नहीं जा मुझसे मत कहना बाद में,
आ जा मोटी जल्दी है, वापस मत चला जाना। ये वापस भी चला जाता, बहुत चालाक इंसान है। इधर ये चार्ज करवा के कहेगा मुझे जाना है, चल खींच पट से ब्रेकर। ओके तो ये हो गई चार्ज। देखो आई एम गोइंग बैक टू शो, देख रहे हो कितने इसको कितनी जल्दी है भाई वापस जाने की। ये भी नहीं कि भाई साथ चल ले, लेकिन नहीं वो तो गया। बोरिस वो हैं आ रहे हैं, हम इधर से निकल जाएंगे। ओके अब हमारे यहाँ पे टास्क हो गए कंप्लीट। बोरिस आप तैयार रहिए, आपसे हम तोड़ पाएंगे उसको। ये ऑल सेट, ठीक है ठीक है बाहर निकलते हैं। उसको है ना इस क्रॉस के मार्क पे लेके आना है, इसलिए हम इस कोने में आएंगे, तभी तो वो हमारे लिए पास आएगा हमारे हमको मारने के लिए। और वो यहाँ पे आएगा, वो वहाँ पे कर देंगे। ओके ओके भाई रिंग में है क्या ये लो। ugly broken robot, your face looks like a rusty frying pan and makes you want to cry. You're too weak to be a security. ओ भाई क्रोध चढ़ गया है। Me can beat you. Boris, ugly. Yes. तो finally guys हमने कर लिए भाई आइसक्रीम एड फाइनल चैप्टर के तीनों जनरेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब डीएक्टिवेट कर दिए हैं। और ये सारे के सारे दरवाजे हैं यहाँ पे अब हो गए हैं ओपन। चेक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं आखिरी बार, कहाँ का होगा, क्या होगा, क्या लगता है। बैन स्केप, बैन से ही तो हम भागने वाले हैं सभी लोग। ओके ये दरवाजा खुल गया, ये हमारी बैन और ये चारों दोस्त इसमें हाई स्पीड में जाते हो। अबे आराम से भाई। ओहो अबे क्या यू टर्न ले रहे हो भाई, कहते स्टैंड बाज हो। तो ये निकल गए हैं भाई फाइनली रॉड्स की फैक्ट्री से, जिसने भाई बंदी बना के रखा था चारों बच्चों के लिए। एंड यहाँ पे अब रॉड्स को भाई अलार्म से भाई उसका नींद खुली है और देख रहा ये क्या। अबे गर्दन निकाल के कौन धरता है भाई, गर्दन निकाल के धर देता यार। ओहो ओहो ये सीसीटीवी कैमरे में देखेगा कि भाई वो भाग चुके हैं ये। तो गाइस ये था आइसक्रीम 8 फुल गेम प्ले, शुरू से लेके आखिरी तक तीनों जनरेटर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जो भाई चार बच्चे थे वो भी फाइनली रोड्स की फैक्ट्री से एस्केप कर चुके हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ उस चैनल पे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Heh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